नमस्ते प्यारे बच्चों, आज चुलबुली टेल्स में मैं सुनीता मालपानी आपको सर्कस में काम करने का ड्रीम रखने वाले एक हाथी की कहानी सुनाने वाली हूँ। और कहानी का नाम है मन मौजी हाथी। कुछ हाथी जहाज से समुद्र पार कर रहे थे और वे एक सर्कस में काम करने वाले थे। उनमें से एक का नाम था ओलिवर। और जब वो बंदरगाह पर उतरे, जहाँ पे सारी शिप्स आती है ना, पोर्ट, उसे कहते हैं बंदरगाह, तो सर्कस के मालिक ने उनकी गिनती की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 हाथी। उनमें से एक और जुड़कर बने 11। ओलिवर ने कहा, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, मैंने तो सिर्फ 10 हाथी ही मंगाए थे। सर्कस के मालिक ने कहा, हमें 11 की जरूरत नहीं है। मैं ज्यादा जगह नहीं घेरूंगा, ओलिवर ने कहा। हाथी हमेशा बहुत जगह घेरते हैं, सर्कस के मालिक ने कहा। अलविदा ओलिवर, दूसरे हाथियों ने कहा। अपना अच्छी तरह से ध्यान रखना। ओलिवर बेचारा बिल्कुल अकेला था, वो कहाँ जाए उसे पता नहीं था। तभी वहाँ एक छोटा चूहा आया। तुम चिड़ियाघर में क्यों नहीं जाते, चूहे ने कहा। शायद चिड़ियाघर में तुम्हें कोई काम मिल जाए। चिड़ियाघर मतलब जू। शुक्रिया, मैं अभी वहाँ जाऊँगा, ओलिवर ने कहा। टैक्सी, ओलिवर ने एक टैक्सी को रोका। तुम्हें ले जाने के लिए बड़ा ट्रक लगेगा, टैक्सी वाले ने ओलिवर से कहा। और टैक्सी रुकी नहीं। फिर ओलिवर ने मोटर कारों का पीछा किया और उसने देखा ड्राइवर मुड़ते समय अपना हाथ बाहर निकालते थे। राइट जाते थे तो राइट की तरफ, लेफ्ट जाते थे तो लेफ्ट की तरफ। ओलिवर ने भी चलते चलते अपनी सूंड को राइट में घुमा दिया जब वो राइट में टर्न करता। और राइट में जाके उसने देखा एक महिला वेइंग मशीन पे अपना वजन ले रही थी। और वो महिला ने कहा, बाप रे, मेरा भार एक हाथी जितना है। ओलिवर उस मशीन पे खुद चढ़ गया और अपना वजन लेने लगा और बोला, मेरा भी वजन एक हाथी जितना ही है। अंत में ओलिवर चिड़ियाघर पहुंचा। यहाँ कौन इंचार्ज है, ओलिवर ने पूछा। मैं हूँ, एक आदमी ने कहा। क्या आपको एक हाथी की जरूरत है, ओलिवर ने पूछा। नहीं नहीं, अभी तो नहीं, चिड़ियाघर के इंचार्ज ने कहा। खैर, शुक्रिया, ओलिवर ने कहा और वहाँ से आगे बढ़ गया। आगे एक आदमी मूंगफली बेच रहा था। क्या मैं आपकी मूंगफली बेचने में मदद करूं, ओलिवर ने पूछा। बताओ, तुम मूंगफली खाओगे या उन्हें बेचोगे, उस आदमी ने पूछा। मैं उन्हें खाऊंगा, ओलिवर ने कहा। फिर उस आदमी ने सच बोलने के लिए ओलिवर को कुछ मूंगफलियां खाने को दे दी। ओलिवर ने फिर चिड़ियाघर छोड़ दिया। अब वो सड़क पर चलने लगा। क्या आपको कोई पालतू जानवर चाहिए अपने घर में रखने के लिए, मैं तैयार हूँ, ऐसे वो पूछते पूछते सड़क पे चलने लगा। पालतू जानवर मतलब पेट एनिमल। एक आदमी ने कहा, मेरे घर में तो पहले से ही एक तोता है, मैं आपको नहीं रख सकता। एक और ने कहा, मेरे पास एक गोल्डफिश मछली है। एक ने कहा, मेरे घर में तो म्याऊं बिल्ली है, मैं आपको नहीं रख सकता। तो एक ने कहा, मेरे पास बतख है। फिर एक महिला बोली, अगर तुम कुत्ता होते तो मैं तुमको जरूर रख लेती। ओलिवर बोला, मैं कुत्ता होने का नाटक कर सकता हूँ। ठीक है, महिला ने कहा। फिर ओलिवर और वो महिला बाहर घूमने गए और ओलिवर भौंका और सारे लोग ओलिवर को देख के बोल रहे थे, कितना बड़ा और अच्छा कुत्ता है,
हमने जिंदगी में इतना बड़ा कुत्ता पहले कभी नहीं देखा। ओलिवर को बड़ा अच्छा लग रहा था, लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। थोड़ी देर में ओलिवर ने कहा, मुझे भूख लगी है, चलो घर चलें। और उस महिला ने ओलिवर को घर पे लाके और उसको एक रसीली हड्डी दी खाने के लिए। ओलिवर ने पूछा, क्या आपके पास घास है? उस महिला ने कहा, नहीं मेरे पास तो घास नहीं है। तो ओलिवर ने कहा, हाथी तो घास खाते हैं, मुझे नहीं लगता मैं आपके यहाँ कुत्ता बन पाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बाय। उस औरत ने भी कहा बाय। अब ओलिवर आगे बढ़ा। कुछ लोग घोड़े पर सवारी कर रहे थे। ओलिवर उनको देखता रहा और उसने देखा घोड़े घास खा रहे थे। ओलिवर ने सोचा, काश मैं भी घोड़ा होता। फिर वो वहाँ के आदमी के पास, जो इंचार्ज आदमी था, उसके पास गया। क्या आपको एक घोड़े की जरूरत है? ओलिवर ने पूछा। पर तुम तो हाथी लगते हो, मैं तुम्हारी सवारी जरूर करूँगा, उस आदमी ने कहा। और फिर वो आदमी ओलिवर की पीठ पर बैठ गया और जोर से चिल्लाया, जंप। और जैसे ही उसने चिल्लाया जंप, कूदो, सारे घोड़े उस बाड़ के ऊपर से कूद गए। ओलिवर ने भी सोचा, मैं भी कूदूं। ओ, क्या हाथी कूद सकते हैं? ओलिवर तो बेचारा गिर गया, लगता है मैं घोड़ा भी नहीं हूँ। और उसने वहाँ सबको बाय किया और चला गया। ओलिवर चलते चलते बच्चों के प्लेग्राउंड के सामने से गुजरा। क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? उसने पूछा। तुम हमारे साथ झूला झूल सकते हो, बच्चों ने कहा। ओलिवर ने क्या किया, अपनी सूंड में पूरे झूले को ही बच्चों के साथ उठा लिया और उसको हिलाने लगा और पूछा, क्या इस तरह से झूलते हैं? बच्चों ने कहा, नहीं नहीं ये सही तरीका नहीं है, पर फिर भी चलेगा, हमें बहुत मजा आ रहा है। और बच्चे उसके फ्रेंड्स बन गए। फिर वो बच्चे दौड़ते दौड़ते सीसॉ के पास आए। ओलिवर ने पूछा, अरे ये कैसे खेलते हैं? तो बच्चों ने कहा, ठहरो ठहरो, हम एक तरफ सारे बच्चे बैठ जाते हैं, फिर तुम दूसरी तरफ खड़े हो जाना। और सारे बच्चे एक तरफ बैठ गए और ओलिवर दूसरी तरफ खड़ा हो गया और सारे बच्चे भम ऊपर चले गए और ओलिवर नीचे रहा। सब बच्चों को बड़ा मजा आ रहा था। फिर बच्चे एक स्लाइड की तरफ दौड़े और एक साथ सब चढ़ने की कोशिश करने लगे। खूब सारे बच्चे थे ना, सब तो स्लाइड पर चढ़ नहीं पाए। तो ओलिवर ने क्या किया, उनके सामने बैठ गया, अपनी सूंड को नीचे रख दी और सारे बच्चे ओलिवर की पीठ के ऊपर चढ़ के उसकी सूंड से स्लाइड के जैसे सर नीचे कूद रहे थे। और बच्चों को बड़ा मजा आ रहा था। फिर बच्चे थक गए और सब आराम से पार्क की बेंच पे जाके बैठ गए और सब आपस में बातें करने लगे कि हम बड़े होके क्या करेंगे। एक ने कहा, मैं बड़ा होकर पुलिसमैन बनूंगा। तो मैरी ने कहा, मैं नर्स बनूंगी। एक ने कहा, मैं तो काउबॉय बनने वाला हूँ और सब घोड़ों को दौड़ाने वाला हूँ। ओलिवर ने कहा, मैं तो हमेशा से सर्कस में काम करना चाहता था, मैं वहाँ नाचने वाला हाथी बन सकता था। तो सब बच्चों ने कहा, तुमको नाचना आता है, हमको नाच के दिखाओ। और ओलिवर ने बच्चों के सामने नाचना शुरू किया। पार्क के आसपास से जो भी लोग जा रहे थे सब रुककर ओलिवर का डांस देखने लगे। और वहाँ पे पास से सर्कस की परेड भी जा रही थी, पर उसकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा था, सब सिर्फ ओलिवर को देख रहे थे नाचते हुए। सर्कस वाले लोग कलाबाजी कर रहे थे, पर कोई भी लोग उनको नहीं देख रहे थे। जो जोकर थे वो जगलरी कर रहे थे, पर कोई उनको नहीं देख रहे थे। और जो बाजीगर था वो अपने सब बाजीगरी दिखा रहा था, कोई भी उनको नहीं देख रहे थे। शेर के पिंजरे में ट्रेनर शेर के मुंह में मुंह ढाल के बैठा था, पर तो भी कोई भी उनको नहीं देख रहा था। और शेर ने कहा, देखो वो तो सब उस हाथी को नाचते हुए देख रहे हैं।
सर्कस का मैनेजर दौड़ता दौड़ता उधर गया। अरे ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो तो देखो तो। और उसने देखा एक एलिफेंट बहुत बढ़िया डांस कर रहा था। सर्कस के मालिक ने पहले ऐसा डांस कभी नहीं देखा था। और सर्कस की परेड में से सारे हाथी चिल्लाए, अरे ये तो अपना ओलिवर है। सर्कस के मालिक ने कहा, ओलिवर? ओह, मुझसे बड़ी गलती हुई, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है ओलिवर, क्या तुम हमारे साथ सर्कस में काम करोगे? मुझे बहुत खुशी होगी, ओलिवर ने कहा। हुर्रे, सारे बच्चे चिल्लाए, चलो चलो तुम्हें तुम्हारी पसंद का काम मिल गया। पर क्या तुम हमें याद रखोगे, बच्चों ने पूछा। ओलिवर ने कहा, बिल्कुल, हाथी कभी भूलते नहीं हैं। और तुम्हारे साथ खेलकर मुझे जो खुशी मिली ना, उससे तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। तो बच्चों, कैसी लगी मनमौजे हाथी की कहानी? देखा, उसका ड्रीम जो था सर्कस में नाचने का, वो पूरा हुआ। क्या तुम भी सपने देखते हो? और सपने देखते रहो और इपीलॉग पे हमारी कहानियां सुनते रहो। तो ये थी हमारी आज की कहानी, और हम जल्दी ही एक और नई कहानी आपको सुनाने आएंगे। तो हमारे साथ जुड़ते रहने की और नई कहानियां सुनते रहने की सूचना आपको मिलती रहेगी इपीलॉग मीडिया वेबसाइट पर, या आपके फेवरेट पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग ऐप जैसे कि जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर। तो अपने फ्रेंड्स को भी बताना ना भूलें और हमारी कहानियाँ चुलबुली टेल्स पर सुनते रहें।